कुंभराज में शराब दुकान पर काम करने वाले युवक की बीते दिनों संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी, जिस पर परिजनों और समाजजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। दरअसल जिला मुख्यालय पर ज्ञापन देने पहुंचे शिवहरी समाज के लोगों ने बताया है कि 22 जुलाई को अमन शिवहरी निवासी डोबा की संदिग्ध मौत हो गई थी। अमन कुंभराज अंग्रेजी शराब की दुकान पर काम करता था। उसका शव दुकान से दूर मोगिया नामक व्यक्ति के घर पर संदिग्ध अवस्था में मिला था, जिसके बाद पुलिस ने भी मौका मुआयना कर शव का पोस्टमार्टम करवाया था, जिसमें युवक के शरीर पर घाव और चोटों के निशान मिले, जिस पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। हालांकि परिजनों ने एसपी को कुछ लोगों के नाम और वीडियो भी सौंपे हैं, जहां एसपी ने ज्ञापन लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? कौन थे आपके वो जो खत्म हुए? क्या नाम था? अमन। क्या हुआ उनके साथ? उनके साथ में मर्डर हुआ साहब। किसके द्वारा? किसके द्वारा किया गया है? रितीश सेवारे और राकेश सेवारे, मकान मालिक का लड़का। जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं उनके संबंध में कोई कुछ बताएंगे आपकी कैसा क्या किया है उन लोगों ने? उन लोगों ने पहले तो पैसा खा लिया, जिस केस चल रहे वातावरण लड़ाई की इनके 5-50 लोग। उनके बाद में उनने कई तुम्हारा मकान सहित बिक गया मुकेश और या तेरी दोन की बोरी में लाशा आ गई। तो क्या पूर्व रंजस थी? हाँ पूर्व रंजस। तो किस अवस्था में मिले फिर जी? कैसी अवस्था मिले आपको जो? मैं तो साहब थाना पहुंचे, मैं तो डूबा रही हूँ। हाँ थाने से क्या जवाब मिला आपको? थाने से जवाब मिला, मैंने टीआई से जाकर थाने में मैं ना से पोस्टमार्टम में नहीं होता हूँ, तुम बिक चुकिया पूरा डिपार्टमेंट। हाँ एक बात में उन्होंने नहीं मानी, जबरदस्ती पोस्टमार्टम किया गया। और मैंने बाकी कही तुम पे मोबाइल है चाकू दे ना ना में आ गया चाकू। थाने से हत्या की कारण क्या बताया गया? करंट, सिर्फ करंट लगा। टीआई ने करंट बताया, टीआई ने टीआई भी पता हो, हमें पता नहीं। तो आप एसपी साहब से मिले तो क्या कहा? एसपी साहब से मिले निशान के साथ पीठ में नंग नंग में पूरी लथपथ घूम रही थी। तो मतलब पहले मारा, उसके बाद फिर गला काटा, उसके बाद फिर हत्या की गई है, करंट लगाया गया। कैसा लगाया? टीआई जान लिया। अच्छा हाँ यही ऐसी हत्या की गई है, टीआई गई है हत्या के बाद में टीआई जाने वाले करंट लगवायो कैसे मरवायो वाले। टीआई पे आप आरोप लगा रहे हैं तो वो हत्या क्यों करवाएंगे? तो फिर सुनी क्यों नहीं? मैं टीआई पकड़ मार नहीं रहने, मैं जेल भेज, मैं गार दी थोड़े बाबू जी बैंकों में किसे जेल भेज दू, मैं भेज जेल तू पकड़ के मार मार दे। मैं बोलियो तो अभी आप एसपी साहब से मिले तो क्या कहा उन्होंने? मैंने मिले एसपी साहब से, ये मोड़ा आया तो रहते। आपका नाम? परसोत्तम सिवर है। क्या घटना हुई? घटना मेरे भाई को मर्डर हुआ है, वहाँ पे उनमें लथपथ लाश मिली हमको। अच्छा, आपके भैया की लाश मिली है? कहाँ पे? वो यार गड़िया मोहल्ला है, उधर मोगिया का मकान है। और 22 तारीख को दुर्घटना हुई है, पुलिस को हमने फ़ोन लगाया तो पुलिस बहुत लेट आई, रिपोर्ट करने का बोला तो भी बहुत आनाकानी करी, बहुत हंगामा करा। अस्पताल से जो बॉडी थी वो अस्पताल ले गए, उसको दोबारा अस्पताल ले वो पुलिस थाने ले के आना पड़ा। इसके बाद में हंगामा होने के बाद में रिपोर्ट लिखी है, और इसके बावजूद भी वहाँ पे पोस्टमार्टम हम नहीं करा रहे थे, कुमराज में गुना पोस्टमार्टम कराने की बोल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे करा लो, मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ। टीआई साहब ने बोला कि किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और ना तक ना तो अभी तक कोई रिजल्ट आया, ना कोई कार्यवाही की जा रही है किसी बात की, कोई भी अच्छा। हमें संतुष्टि नहीं दिख रही है अभी, 100% लगता है निशान है, यहाँ पे चाकू का निशान है और कुछ खरोंचे भी है और चोट भी है, खून भी निकल रहा था नाक से गले से। अच्छा, मतलब आपको? और जो उसका मोबाइल था, आपको जानकारी किसने दी? जानकारी वो मेरे भैया ने दी थी, जो उसके साथ में ही वहाँ बैठता था। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो उस बॉडी पे जो भैया का मोबाइल था वो उसकी जेब में नहीं था, और हमने जब मोबाइल पे कॉल किया तो मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। आपके भैया क्या नाम है? अमन सेवर है। कहाँ रहते हैं? यो यहीं बाइन शॉप पे काम करते थे, तारू के ठेके पे। अच्छा, हाँ पुराने रंजिश है जो राकेश सिवारे का लड़का है, ऋतिक सिवारे, उनसे मतलब कुछ दिन पहले ही झगड़ा हुआ था, तो वो लोग धमकी भी दे रहे थे उससे कुछ दिनों से, और खबरें भी आ रही थी इधर उधर, लड़के मतलब मैं
मारने की धमकी आ रही थी उसके पास। अच्छा, मतलब धमकी मिल रही थी, प्रेशर में भी था, हमसे बताता था। अच्छा, हाँ, हमको लगता नहीं कन्फर्म है। जब हम बॉडी के पास गए, बॉडी के पास जब गए तो उसकी जेब में ना तो मोबाइल था ना गाड़ी की चाबी थी। कुछ देर बाद मोगिया के उसी घर में दो लड़के हैं, उनसे पूछताछ की जाए ना तो कोई पूछताछ हो रही है। मोबाइल कुछ देर बाद चालू मिला, कुछ देर बाद ऑटोमेटिक चालू कैसे हो गया, किसने चालू किया उस मोबाइल को। अच्छा, मोबाइल भी मिल गया, मोबाइल मिल गया कुछ देर बाद। तो पुलिस का कहती है अभी? पुलिस अभी कुछ भी नहीं कह रही है, चिल्ला चौंट करती है पुलिस। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे कार्यवाही हो और CID द्वारा हो, अगर हो तो बारीकी से बारीकी अच्छे तरीके से, मतलब उसकी खोज हो, उस घर में कहाँ से आया, वो कैसे गया, क्या हुआ क्या न हुआ। इधर उधर कैमरे थे उसकी भी, वो कुछ रहते हैं वो पुलिस वाले ले गए हैं, जानकारी चाहिए हमें। अच्छा, तो आप मतलब कि कार्रवाई चाहते हैं ना? बिल्कुल कार्रवाई, बिल्कुल बहुत बारीकी से कार्रवाई चाहते हैं कि मतलब जो जो लोग बाग हमारे उनकी, मतलब जो दो लड़के हैं मोगिया, उनसे पूछताछ करे कि यहाँ कैसे आया, इसका मोबाइल चालू कैसे हुआ,